नमस्कार, आर्यभट्ट न्यूज में आपका स्वागत है। क्रिकेट के न्यूज के साथ मैं हूं आकाश कमल। वैसे तो हम भारतीयों को गर्मी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों को गर्मी का इंतजार बेसब्री से होता है, क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ ही शुरू होता है क्रिकेट का सबसे बड़ा त्यौहार IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग। और यह भारत ही नहीं पूरे विश्व के क्रिकेट फैन के सर चढ़के बोलता है। आपको बता दें कि IPL 2020 यानी IPL के 13वें संस्करण का तिथि घोषित कर दिया गया है, और IPL का उद्घाटन मैच तथा IPL का फाइनल दोनों ही मौजूदा चैंपियंस मुंबई इंडियंस के होम ग्राउंड वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पे खेला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि गुवाहाटी का बारासोपा क्रिकेट स्टेडियम पहली बार IPL के मैचों का मेजबानी करेगा। बारासोपा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड होगा, जहां राजस्थान रॉयल्स के 3 होम मैच खेले जाएंगे। 2019 से चर्चा में रही कंकसन सब्स्टिट्यूट का भी प्रावधान आपको इस बार के IPL में देखने को मिलेगा। अगर कोई बल्लेबाज ये खेलने के दौरान अपने सर पे चोटिल हो जाता है तो उसे यह सब्स्टिट्यूट मिलेगा, जिसमें लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की व्यवस्था की गई है। 2019 से चर्चा में आई कंकसन सब्स्टिट्यूट का भी प्रावधान आपको इस बार के IPL में देखने को मिलेगा। कोई खिलाड़ी अगर हेड इंजर्ड होता है तो उसे लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट दिया जाएगा। पिछले सत्र अपने खराब एम्पायरिंग के कारण बहुत ही चर्चा में रही थी, इसलिए इस बार ऑटो नोबॉल की व्यवस्था की गई है। इस बार नोबॉल का कॉल ऑन फील्ड एम्पायर नहीं बल्कि टीवी एम्पायर करेंगे, जिनके पास 3 सेकंड का वक्त होगा। IPL 2020 में आपको एक नया बदलाव भी देखने को मिलेगा। जैसा कि हर पिछले सत्र में होता रहा है कि IPL में आपको डबल हेडर का मुकाबला ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन IPL 2020 में मात्र 5 से 6 डबल हेडर को मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार शनिवार के डबल हेडर को हटा दिया गया है। IPL 2020 शुरू होने से पहले हम क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया तोहफा भी आया है। इस बार आपको ऑल स्टार चैरिटी मैच देखने को मिलेगा, जिसमें सारे टीम को मिलाकर 2 टीमें बनाई जाएगी, जिससे हो सकता है कि आपके पसंदीदा खिलाड़ी जो IPL के दौरान एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हुए मिलते थे, वो इस बार एक साथ आपको खेलते दिख जाए। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये अपडेट आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इसी तरह के खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा चैनल आर्यभट्ट न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।